अब इसके बाद हमने क्या है, हमारे पास हमने वर्ड प्रॉब्लम ये इन वर्ड्स में दिया हुआ है, हमने इसको इन नंबर्स में लिखना है, फिगर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ोगी, 4,52,649। देखो लैक वाला है तो आप क्या करो, ऐसे ही आप प्लेसेस लिख लो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और लैक। लैक के नीचे क्या दिया हुआ, 4 लाख, तो लैक के नीचे 4 लिखो। 1000 के नीचे 52 है तो 1000 वाले के नीचे 52 आ जाएगा। उसके बाद 600 है, 100 के नीचे 6 आ जाएगा, और लास्ट में 49 रह गया, वो टेंस और वंस डिजिट के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 4,52,649। ये था इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम आपको करवाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसमें भी जैसे स्टेटमेंट है 2,603,062। ओके, नाउ फर्स्टली वी विल राइट द प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यूज, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन। नो लैक और करोड़ विल कम इन द इंटरनेशनल सिस्टम, एज वी कैन सी हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस। हम यहाँ मिलियन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई लैक करोड़ नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, ये हमारे पास एक कॉलम है, ये थाउजेंड्स वाला सेकेंड कॉलम है, मिलियंस वाला थर्ड। मिलियंस के नीचे 2 है तो मिलियन के नीचे 2 आ जाएगा। अब थाउजेंड की बात करें तो उसमें है 603, तो यहाँ पे थाउजेंड्स के नीचे आएगा 603। देन 62 ओनली, तो 62 यहाँ आएगा। यहाँ पे हमारे पास 100 का कोई भी, थाउजेंड्स वाले के बाद 100 की बात नहीं हो रही, तो 100 के नीचे 0 आएगा। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ये आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ाया, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। फेस वैल्यूज, यस बेटा, फेस वैल्यू है हमारे पास, स्टेटमेंट है सबसे पहले 52,756। तो सबसे पहले हमें ये 2 के नीचे अंडरलाइन किया है, तो सबसे पहले हम 2 की फेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बट बिफोर राइटिंग द फेस वैल्यू, वी हैव टू नो दैट व्हाट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। क्लियर? फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट, ओनली द वैल्यू ऑफ द डिजिट। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 2, तो इसकी फेस वैल्यू भी क्या आएगी, 2। नाउ इन नेक्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट प्लेस वैल्यू। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन इन द नंबर। क्लियर? प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज डिपेंड्स अपॉन डिजिट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन। पोजिशन का मतलब कि ये जो प्लेस वैल्यू है 2 की, हमें देखना है जब हम प्लेसेस काउंट करते हैं तो ये कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ये थाउजेंड प्लेस पे है तो हम लिखेंगे 2। ये 2 है कि कौन से प्लेस पे, थाउजेंड्स पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 आ जाएगा। बेटा एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको यहाँ पे आ जाए कि फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ दिस 5 एंड दिस 5, सम करना है, डिफरेंस करना है, तो आप इनकी अलग अलग प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, उनको ऐड करोगे। जैसे कि ये 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1, 10, 100, 1000, 10,000। इसकी वैल्यू है 10,000, मतलब कि 50,000। इस 5 की वैल्यू क्या है, 1, 10, 50। ठीक है, अगर तो वो सम करने के लिए कहे तो आप इसका सम कर सकते हो, अगर वो इसका डिफरेंस कहे तो आप डिफरेंस कर सकते हो, अगर वो आपको प्रोडक्ट बोले तो आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद लास्ट में है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं, ये हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, 1,67,892। इसको एक्सपेंड करना है, इसके लिए भी सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यूज लिख सकते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और लैक। ठीक है, अब ये 1 लाख है तो 1 लिख के उसके पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 5 0 डाल दोगे तो ये 1 लाख बन गया। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू दिखाया, दिस इज द डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन। ये 1 लाख है, इस 1 के पीछे हमारे पास 5 डिजिट हैं तो हम वो नहीं लिखेंगे बल्कि 5 ज़ीरोज लिख देंगे। अब आ जाते 6 की बात, ये 10,000 है तो हम इसके पीछे 60,000 बनाएंगे। ये 6 की पोजीशन है तो इसके पीछे 4 डिजिट्स हैं तो हम 4 ज़ीरोज़ डाल देंगे।
उसके बाद ये 7 है, 7000s पे है, मतलब कि 7000 आएगा। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो 7 के पीछे देखो 3 डिजिट हैं, तो पीछे 3 0 आ जाएंगे। उसके बाद 800 है तो 800 डालेंगे, देन 90, देन 2। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट शॉर्ट फॉर्म। अब हमारे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है 9 लाख प्लस 90,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। अब हमें इस नंबर को इस शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। वो कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी हम सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख लिख सकते हैं। ये 9 लाख है तो ये वाला 9 लाख के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ही ये होता है कि अगर ये लाख के नीचे लिख रहे हैं तो ये 9 लाख बन गया, 9 लाख है ना। उसके बाद है 9,000, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 के नीचे है तो ये वाला 9 10,000 के नीचे आ जाएगा। उसके बाद 1000 है, 1000 के नीचे ये 9 वाला, क्योंकि 1, 10, 100, 1000 पे आ रहा है तो 1000 के नीचे 9 आ जाएगा, 1, 10, 100। अब ये 900 है, मतलब कि 100 की जगह हम 9 लिखेंगे, 90 का 9 यहाँ पे आएगा क्योंकि ये 10th डिजिट है। अब ये 1th डिजिट है, 1th प्लेस पड़ा है तो ये 9 यहाँ आ जाएगा। मतलब कि हमने शॉर्ट फॉर्म जो यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म से बनाई है वो 9,99,999। हम एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को यहाँ पे अपोजिट करके भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, और इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे बेटा आपके चैप्टर 1 के, जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं। अभी आप इनकी प्रैक्टिस करो, इनको अच्छे से रिवाइज करो, इनको रिटन वे में इसकी प्रैक्टिस करो, देन यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक और इट विल बी क्लियर टू यू। But after that, if any problem, then you can contact with the teacher. Thank you, Vita.